दमोह जिले के तेजगढ़ थाना अंतर्गत आने वाली इमलिया चौकी के सोमखेड़ा गांव में दो बाइक सवारों के अनियंत्रित हो जाने के कारण चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। होमगार्ड में आपदा प्रबंधन का काम करने वाले भरत सिंह राजपूत के रिटायर होने के बाद उनको भावभीनी विदाई दी गई। इस दौरान कांग्रेस के शहर अध्यक्ष यशपाल सिंह राजपूत मौजूद रहे। जिले में पर्युषण पर्व के अवसर पर जैन मंदिरों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का दौर जारी है। नन्हे मंदिर में नन्हे मुन्ने बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते नजर आए। जिले में अभी तक 1184 मिलीमीटर यानी 37 इंच वर्षा दर्ज की गई है। अभी और वर्षा होना बाकी है जिससे लोगों को पानी की समस्या से निजात मिलेगी। बटियागढ़ निवासी दशरथ साहू उस समय घायल हो गया जब वह बाईपास बटियागढ़ से निकल रहा था। उस दौरान बाइक फिसल जाने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दक्षिण भारत निवासी एक अज्ञात व्यक्ति की पहचान कर ली गई है। अर्जुनन नामक यह व्यक्ति मारूताल में मिला था जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। यह तमिलनाडु निवासी बताया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी तरुण राठी ने बताया कि जिले में मतदाता सत्यापन कार्यक्रम जारी है जिसको लेकर गंभीरता से कार्य किया जा रहा है। वहीं 11 सितंबर को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी समीक्षा बैठक लेंगे। कलेक्टर तरुण राठी ने जिला पंचायत सीईओ एवं जनपद सीईओ को निर्देश देकर उन अपात्र पेंशन हितग्राहियों के नाम अलग करने का है जो माइग्रेट कर चुके हैं या मृत हो चुके हैं। मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के तहत 0 से 18 वर्ष के उन बच्चों का चयन किया जाना है जांच के बाद जो हृदय रोग से पीड़ित हैं। जिला अस्पताल में शिविर जारी है। मध्य प्रदेश शासन के पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया ने आदिवासी एवं कांग्रेस नेता उमंग सिंघार का बचाव करते हुए दिग्विजय सिंह के समर्थकों द्वारा ऐसा किया जाना गलत बताया है। Happy birthday.